हेलो एवरीवन, वेलकम। आपका है बहुत बहुत 13 अगस्त के करंट अफेयर में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल यूथ डे अभी मनाया गया है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। अब आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो वो कब मनाया गया है? वो मना जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती यानी 12 जनवरी को। तो आपको ऐसे याद रखना है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। क्या? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी? तो पहले तो ये बताती हूँ कि क्यों मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है कि जितने भी एनजीओज, जितने भी फाउंडेशंस काम कर रहे हैं यूथ्स के प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता डेवलप करने के लिए, यानी कि अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है। अब इस बार की थीम क्या थी? तो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन थी इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त की। अब बात आई है अगस्त की, तो अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज की डिस्कशन करते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त वर्ल्ड हैंडलूम डे, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 10 अगस्त को मनाया गया है आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और उसके बाद ये 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो झारखंड ने अभी शुरू की है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। इस झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अच्छा, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ये योजना है क्या? तो ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, पूरा नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये किसानों के लिए है। इसमें पहला तो उद्देश्य ये है कि जितना भी किसानों का जो भी पैसा होगा उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, उन्हें DBT हो, जो भी पैसा हो उनको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा, सरकार ने कहा है कि जिन किसानों के पास 1 एकड़ भूमि होगी उनको सरकार कृषि के लिए कृषि करने के लिए पाँच हज़ार रुपये की सहायता देगी। जिनके पास 2 एकड़ भूमि होगी, कृषि भूमि, उनको कृषि करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके पास 3 एकड़ कृषि भूमि होगी उनको 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी आर्थिक सहायता। जिनके पास 4 एकड़ भूमि होगी उनको 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी कृषि करने के लिए। और जिनके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा होगी भूमि कृषि करने के लिए उनको 25,000 की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी राज्य सरकार यानी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक का विमोचन किसने किया है? तो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, इस किताब का विमोचन किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इसी तरीके से आपको सबके नाम याद रखने हैं, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक, और मतलब जो जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी आपको उन मिनिस्टर्स के नाम के साथ ऐड करना है। तो ये याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है ये। तो अब बात करते हैं कि हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है किसने?
होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अब आपको इस बुक के राइटर का नाम, इसके जो जिन्होंने विमोचन किया है उसका नाम और बुक का नाम, तीनों चीजें याद रखनी है। तो बुक का नाम मैंने बता दिया, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। अच्छा, विमोचनकर्ता कौन हो गए? हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह। और तीसरी चीज आती है, अब इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? अभी प्रेजेंट टाइम के वाइस प्रेसिडेंट, ये जरूर कहा करें, प्रेजेंट टाइम के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उन्होंने ये बुक लिखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COP वेबसाइट लॉन्च किसने की है? तो अभी COP वेबसाइट लॉन्च की है हमारे पर्यावरण मंत्रालय के हेड, हमारे राज्य एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च की है COP वेबसाइट, unccd.cop.com। ये वेबसाइट लॉन्च की है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, हाल ही में UTT पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी चेन्नई ने, यानी कि चेन्नई ने दबंग दिल्ली को हराकर जीता है UTT पुरस्कार, यूनाइटेड टेबल टेनिस पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, UAFE पुरस्कार किसने जीता है? तो UAFE की फुल फॉर्म क्या होती है? UEFA है, तो यूनाइटेड फुटबॉल एसोसिएशन पुरस्कार जीता है अभी लियोनल मेसी ने। किसने? यूनाइटेड फुटबॉल, UEFA है, याद रखिएगा। तो UEFA भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, UEFA, ठीक है। तो यूनाइटेड फुटबॉल एसोसिएशन पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने, और ये अभी ये एक बहुत फेमस प्लेयर हैं, आपको पता ही है, फुटबॉल प्लेयर, इन्होंने अभी जीता है UEFA पुरस्कार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये UEFA गोल ऑफ द सीजन है, पूरा नाम याद रखिएगा, UEFA गोल ऑफ द सीजन पुरस्कार, ये लियोनेल मेसी ने जीता है। अच्छा, राफेल नडाल ने अभी कौन सा पदक हासिल किया है? तो स्पेन के हैं राफेल नडाल, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। और ये तो सबको ही पता है कि राफेल नडाल किस प्लेयर के खिलाड़ी हैं, तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक। तो आज ज्यादा ही नहीं है, इतना ही है करंट अफेयर, और कोई मुझे क्वेश्चन आज का जो इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो मैं कल के सेशन में ऐड कर दूंगी, उस बात से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका कुछ नहीं छूटेगा, बस आप अच्छे से सुने ध्यान से और याद रखें। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट। कार्ड ओवरले हाफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन स्टॉप बटन।